जयमिता जांजगीर जिले के चांपा नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में रहती है। जयमिता बता रही है कि उसके 4 बच्चे हैं और पूरे परिवार 6 परिवार के सदस्य हैं, और इसमें से उसकी बेटी 9 साल की है जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं आया है। अभी सरकार ऐसा नियम निकाला है कि एक सदस्य में 7 किलो चावल मिलता है, और जयमिता लोग को महीना में वो चावल पूर्ति नहीं होता। अगर उसकी बेटी का नाम जुड़ा रहता तो उसका 7 किलो चावल और मिल पाता। हमन के समस्या ये है कि हमन के राशन कार्ड में मोर बेटी के नाम नहीं जुड़ पाए है। 5 महीने हो गए कि चावल कम मिला थे हमला खरीद के खाए पड़ा थे ना, और उनका नाम जुड़ जाती तो अच्छा होती। कई बार हो गए हम नगर पालिका चल रहे हैं लेकिन नाम नहीं जुड़ पाते। आप कितने बार नगर पालिका गए हैं? 3-4 बार चल रहे हैं लेकिन उनका नाम नहीं जुड़ पाते। आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? कि मेरी बेटी के नाम जुड़ जाती तो और अच्छा होती, हमला खरीद के खाए नहीं पड़ती। मीता बहुत ही गरीब महिला है और अपने गरीबी परिस्थिति के कारण चावल खरीदने में इसको बहुत ही परेशान होना पड़ता है, और 1 किलो चावल का रेट 20 रुपये है, और इन लोगों का कमाई भी उतना नहीं चलता कि उन लोग चावल खरीद कर खा सकते हैं। और जयमिता मेरे ही परिवार की सदस्य है। इंडिया अनहट के देखने वाले सभी दर्शकों से गुजारिश है कि चांपा नगर पालिका के SDM का मोबाइल नंबर 07819222001 को कॉल कर दबाव बनाए ताकि जल्द से जल्द जयमिता का राशन कार्ड में उसके बेटी का नाम जुड़ने पाए। मैं हूँ वृंदा आज़ाद, बिलासपुर छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।